मेल वर्सेस फीमेल कंडोम्स, इसके बारे में आज मैं बात करूंगा। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में पिछले 37 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं। कंडोम्स के बारे में बहुत कम लोग पूछते रहते हैं, मगर जानकारी होना आवश्यक है। मेल कंडोम ज्यादातर वापरे जाता है, ज्यादा यूज उसका होता है। यूजली वो लोग वापरते हैं, वापरने के बाद में एक बार इजैकुलेशन हो गया, सेक्स हो गया, उसकी गांठ बांधते डस्टबिन में फेंक देते हैं। मगर उसमें प्रॉब्लम कभी कभी ये होता है कि मेल कंडोम को कभी कभी छेद रह सकते हैं और उसमें से कभी प्रॉब्लम हो सकता है, प्रेगनेंसी में प्रेगनेंसी हो सकती है, या कभी कभी फट गया तो प्रेगनेंसी हो सकती है, या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज ऐसे जो प्रोटेक्शन चाहिए वो प्रोटेक्शन मिलेगा नहीं, तो ये उसके नुकसान है। इसके लिए फिर लोग क्या करते हैं कि दो कंडोम पहनते हैं, एक के ऊपर एक। इसका प्रॉब्लम कभी कभी होता है कि जिनको इरेक्शन का प्रॉब्लम आता है, या इरेक्शन मेंटेनेंस का प्रॉब्लम आता है, या प्री मैच इजैकुलेशन का प्रॉब्लम आता है, वो लोग इरेक्शन आने के बाद में कंडोम जब चढ़ाते हैं तो चढ़ा चढ़ाते उनका इरेक्शन खत्म हो सकता है, या कुछ लोगों को कंडोम लगाते लगाते इजैकुलेशन हो जाता है। तो मतलब उनको ये जल्दी रहती है कि इरेक्शन होने के बाद में तुरंत वजाइना में डालो और सेक्स करो, तो ऐसे इसमें उनका प्रॉब्लम हो सकता है। फिर कंडोम चढ़ाने को भी टाइम नहीं है, कंडोम चढ़ाने को लग गए तो उसमें इरेक्शन निकल जाएगा, सेक्स होगा नहीं, तो ऐसे इसमें प्रॉब्लम आ सकता है। फिर इसके लिए क्या करें, तो इसके लिए फिर फीमेल कंडोम्स भी है। जब मेल कंडोम लगाने को तैयार नहीं है, मेल को कोई प्रॉब्लम है, तो फीमेल कंडोम का इस्तेमाल किया जाता है। इतना है कि फीमेल कंडोम महंगा होता है, डबल कॉस्ट होती है। समझो ये 20 रुपये का है तो वो 40 रुपये का हो जाता है। मेल कंडोम जो है वो नेचुरल रबर लेटेक्स का होता है, नेचुरल रबर लेटेक्स मेल कंडोम, इसलिए उससे इन्फेक्शन एलर्जी हो सकती है किसको। मगर फीमेल कंडोम जो है वो सिंथेटिक लेटेक्स है, तो इसलिए उसमें कोई प्रॉब्लम आता नहीं, उसमें एलर्जी होती नहीं, कुछ नहीं होता है, मगर वो महंगा होता है। उसका भी ऐसे कि वापरो और फेंक दो, निकालो वापरो और फेंक दो। फीमेल कंडोम और एक बार वापरने की मतलब और एक जगह की, जब मेल वापरने को तैयार ही नहीं है, टाइम नहीं है लगाने को, या कठोरता निकल जाएंगे ऐसा लगता है, या उसको उसमें लगता है कि मज़ा नहीं आएगा, तो फिर उसमें फीमेल ने कंडोम लगाना चाहिए, ताकि फीमेल ने कॉन्ट्रासेप्शन जो है मतलब प्रेगनेंसी यदि प्रिवेंट करना है तो, या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से प्रिवेंशन करना है तो। फीमेल कंडोम वजाइना में अंदर डालते हैं और उसमें करीब करीब 95% प्रोटेक्शन हो जाता है फीमेल कंडोम्स में। फीमेल कंडोम में या मेल कंडोम में प्लेजर में कोई ज़्यादा फर्क होता नहीं है, मतलब प्लेजर उतना ही आता है जितना कि मेल कंडोम लगाओ या फीमेल कंडोम लगाओ। कंडोम लगाने से भी प्लेजर में कोई कमियाँ आती नहीं है। जब ओरल सेक्स करना होता है तो लोग सेंटेड या परफ्यूम्ड कंडोम्स वापरते हैं। जिनको प्री मैच इजैकुलेशन है तो वो लोग एनिस्थेटाइज कंडोम का वापर करते हैं। एनिस्थेटाइज मतलब जिससे लिंग सुन हो जाता है, या फिर मोटा जाड़ा कंडोम वापरते हैं जिससे फ्रिक्शन कम हो जाएगा। फीमेल कंडोम वजाइना में जैसा यूज़ करते हैं मतलब वजाइनल सेक्स के लिए, वैसे ही एनल सेक्स के लिए भी फीमेल कंडोम वापर जाता है। अभी फीमेल कंडोम और कॉपरेटिव में क्या फ़र्क है? कॉपरेटिव का ऐसा है कि कॉपरेटिव लगाते हैं तो वो 3-4 साल चलती है। कॉपरेटिव से एलर्जी होती है कुछ लेडीज़ को, क्योंकि कॉपर उसमें धीरे 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 उसमें रिलीज होते रहता है और उसमें एलर्जी हो सकती है, फिर वजाइनाइटिस होता है, इन्फेक्शन होता है। वैसा फीमेल कंडोम में एलर्जी होने का कोई चांस रहता नहीं है। तो इन शॉर्ट क्या है कि मेल और फीमेल कंडोम सरीके हैं। मेल कंडोम से ज़्यादा सेफ फीमेल कंडोम से, फीमेल कंडोम महंगे होते हैं, मेल कंडोम में फेल्योर रेट ज़्यादा है फीमेल कंडोम से, इसलिए लोग डबल वापरते हैं, और डबल में भी कभी कभी फ्रिक्शन होने से छेद गिर सकता है। मतलब 100% गारंटी नहीं है कि कंडोम वापरने के बाद में प्रोटेक्शन मिलेगा ही मिलेगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा जो लोगों को शेयर करो, थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोस हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है। वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं, और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं हमारे, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या वेबसाइट से,
तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टा मोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।